बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम गुड़ वाले चावल बनाने जा रहे हैं, तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। गुड़ हमें चाहिए होगा आधा किलो। आधा किलो चावल हम लेकर पानी में भगो देंगे आधे घंटे के लिए। गुड़ में आधा कप पानी डालकर उसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे चूल्हे पर मीडियम सी फ्लेम पर। चावल को अच्छी तरह धोकर भगो लें। साथ साथ हमारी चाशनी तैयार हो रही है। ये इसका रंग थोड़ा डार्क इसलिए क्योंकि ये हमने जो गुड़ लिया वो बगैर रंग काट यानी बगैर सोडा के है और ये ब्लैक होता है। एक चुटकी टाटरी हम गुड़ के अंदर डाल देंगे। 3 से 4 अदद इलायचियां ले लेंगे। किशमिश आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। बादाम 8 से 10 अदद। हरी सौंफ 2 खाने के चम्मच। कोकोनट आप अपने जायके के हिसाब से ले लें। ऑयल हमें चाहिए होगा आधा कप, तो हम पानी उबलने के लिए रख देंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं। अब जो हमने चावल भगो कर रखे थे आधा घंटा हो चुका है, तो इनको पानी के अंदर डाल देंगे उबलते हुए पानी के अंदर। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस नोट कर लें, तो इसको हम उतार कर साइड पे रख लेंगे। जब आपके चावलों में एक कनी रह जाए तो इसको एक जाली वाली टोकरी के अंदर निकाल लें ताकि पानी इसका रिमूव हो जाए। अब हमारे उबले हुए चावल तैयार हो चुके हैं, तो एक देगची के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल, 1/2 कप ऑयल और 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे और उसके अंदर इलायचियां खोलकर डाल लेंगे। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर तड़का लगाएं। जब इसमें भीनी भीनी खुशबू आपको आने लगे तो इसमें आप हरी सौंफ डाल लें और इसमें चम्मच हिलाएं। अब जो चाशनी हमने तैयार करके रखी थी उसको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लें और साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। अब तमाम बादामों को आप काट लें। अब जो हमने चावल उबाल कर रखे थे उसको देगची के अंदर डाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको चाशनी में अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। बिल्कुल आपने इसको धीमी आंच पर पकाना है। अब ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालें, लेकिन अगर आपके चावल चाशनी में डालने के बाद पानी छोड़ने लगे तो इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको थोड़ा सा पकाएं ताकि पानी रिमूव हो जाए और चावल आपके अच्छे बने। अब सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर गार्निश कर लें। आंच बिल्कुल धीमी कर लें क्योंकि अब हमने इनको दम पर लगाना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें। बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर आपने इसको दम देना है। और ये हमारे मज़ेदार चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, बहुत अच्छी खुशबुएं उठ रही हैं इससे, ज़बरदस्त। आप इसको लाजमी ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि आपने 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। यार कर दो, एक क्लिक से आप लोगों का क्या जाता है।
चलें कर दे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कर दिया, गुड, बहुत अच्छा हो गया। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।